हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और सभी अच्छे से नाम जाप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। आज की वीडियो में हम केवल नॉर्मली बात करेंगे। मैंने सोचा न्यू ईयर है, न्यू कैलेंडर है फॉर अस, तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही शूट कर लिया है, पर ये अपलोड मैं ज़रूर जनवरी 1 को करूँगी, 2024 का फर्स्ट डे, तो इसलिए वो न्यू ईयर होगा हम सबके लिए। जो न्यू ईयर है उसको आप सभी को हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस ईयर, आप सभी का वो साल जो आने वाला है 2024, वो हर पल हर समय उसमें ठाकुर जी का चिंतन हो कि आप सेवा में लगे, कुछ कुछ नई नई चीजें करें ठाकुर जी के लिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें 2024 में क्या करना चाहिए। 2024 बस एक साल है, जैसे 2023 था, वही सेम डेट्स रिपीट होंगी, सेम मंथ रिपीट होंगे, सब कुछ सेम रिपीट होगा। इवन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में वो भी सेम रहेंगी, कुछ सेम रहेगा तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि ठाकुर जी ने हमें एक साल और दिया है, एक साल का एक एक दिन, एक एक पल ठाकुर जी हमें दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमें पहचानना है। जो वो ठाकुर जी की करुणा है, जो वो कृपा है, वो ठाकुर जी हमें पल पल एहसास दिलाते हैं, लेकिन हम इतने मन बुद्धि हैं कि हम पहचान नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, हम सब खुशी मनाते हैं नए साल की कि नया जनवरी एक साल जो था वो बीत गया, अब दोबारा से 2024 स्टार्ट होगा, फिर आने वाले समय में 2025 आएगा, तो ये साल बीत रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि साल नया नहीं है, हमारे लिए तो हर दिन नया है। सपोज़ हम रात में सोते हैं और अगर हम सुबह उठे ही ना, तो हमारे लिए तो हर दिन ठाकुर जी की कृपा का दिन है कि हम सुबह उठ पा रहे हैं, ये जो सूर्य उदय हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं, एक नया दिन हम जी पा रहे हैं। हमारे लिए न्यू ईयर इतना मैटर नहीं करता, हमारे लिए हर दिन मैटर करता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आ जाए, हम कब मर जाए। इवन थ्रू हमें पता है सोल जो है, हमारी आत्मा अमर है, लेकिन हमारा वो स्तर अंडरस्टैंडिंग का जो एक लेवल है वो अभी इतना विख्यात नहीं है, वो अभी इतना वाइड नहीं जो हम ये चीज़ समझ पाएं। इसलिए हमें पल पल ठाकुर जी को थैंक यू बोलना चाहिए, एटलीस्ट हर एक सुबह उठ के ठाकुर जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें एक मौका और दिया। लेकिन हम मन बुद्धि लोग, हम लोग अपने आप में जो मैं में रहते हैं, हमें लगता है हम सब अपने आप कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यही नहीं पता कि जो हम कहते हैं कि ये मैंने किया है, मैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है सब ठाकुर जी की मर्जी से होता है, जो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, तो हमें हर समय हर पल ठाकुर जी को थैंक यू कहना चाहिए। तो ये चीज़ हमें सीखनी है, उस हर एक चीज़ का जो उन्होंने हमें दी है, जो हमें वो दे रहे हैं और हमेशा से देते हुए आए हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ठाकुर जी हमें क्या दे रहे हैं? तो उसके लिए हमें किसी का सहारा चाहिए, और वो सहारा है ठाकुर जी की वाणी का। हमें पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता, जितना हो सके आप पढ़िए, और एक नया जो कैलेंडर आ रहा है, जो एक नया साल है 2024, उसमें अपने आसपास के लोग, इवन अपने परिवार के लोग जो भी हैं आपके, उनको भी पढ़ाइए, उनको भी भगवान के करीब लाइए, क्योंकि सबसे अच्छा गिफ्ट आज के समय में आप अगर अपने प्रियजन को दे सकते हो तो वो यही है कि आप उनको ठाकुर जी के चरणों की सेवा दे सको, उनको ठाकुर जी करीब लेकर आओ। आप, मैं, हमें कोई ना कोई ठाकुर जी के करीब लेकर आए, हम अपने आप से कभी नहीं आते, वो अलग बात है। अगर आपका फैमिली का माहौल ही डिवोशन का हो, पूरा सब भक्तिमय माहौल है, तो बच्चा अपने आप उस रंग में रंग जाता है। लेकिन जिस घर में कभी भगवद गीता की चर्चा नहीं हुई हो, कभी माला जाप तिलक कंठी इन सब की कोई चर्चा ही नहीं हुई हो, उनको पता ही नहीं हो, तो उन लोगों को इस माहौल में ढालना कि वो रोज भगवद गीता पढ़ें, कंठी धारण करें, भय मुक्त होके हम तिलक लगाएं, तो उस माहौल में डालना ये बहुत बड़ी बात है। तो एक कदम आप बढ़ाइए, कम से कम अपने आसपास अपने प्रियजनों का आप भी उनको गिफ्ट दीजिए। भगवद गीता दे सकते हैं, कंठी दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें ठाकुर जी की लीला बता सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे वो ठाकुर जी के करीब आए। तो ये 2024 में आप और मैं मिलकर करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, मैं तो करती रहती हूँ। बाकी हमें और क्या करना चाहिए? बाकी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 2023 तक, मतलब जो हमारा जीवन था, जो हमारा बीत चुका ये पिछला साल, वो कभी वापस नहीं आ सकता। केवल एक चीज़ वापस आती है, हमारे कर्म। तो हमने जितना पीछे कर्म कर चुके हैं, हमारे जितने भी बुरे कर्म हम कर चुके हैं, जितना भी हम
पीछे बिता चुके हैं, हम वो सेम चीज़ रिपीट ना करें। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं सर, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में भी है, मुझे पता है। सब तो जितने लेवल पे है उसके अकॉर्डिंग उसके लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर स्कूलिंग में है कोई तो उसको स्कूल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, कोई कॉलेज में है तो कॉलेज लेवल का प्रेशर है, फैमिली प्रॉब्लम्स, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी को बिजनेस में इश्यूज हैं, किसी के बिजनेस में नुकसान है, कोई लाइफ किसी की अप एंड डाउन हो चुकी है, मतलब ऐसा मोमेंट आ जाता है आपके लाइफ में कभी कभी कि आपको लगता है कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन भगवान तब भी मेरे साथ ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। श्लोक के साथ आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने पढ़ा था श्लोक कि ठाकुर जी अर्जुन से कह रहे हैं, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पहली बात तो ये, ठाकुर जी कितने करुणामय, वो कितने प्यार से कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो। साथ ही साथ ठाकुर जी ये मेंशन कर रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ है कि ठाकुर जी यहाँ पे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ठाकुर जी ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम हटा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञान को हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो नॉलेज ठाकुर जी ने हमें ये दी है और जो हमारे शास्त्र हैं, जो उसके अंदर ज्ञान है, वो ही हमारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का हल है। 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, ठाकुर जी हमारे लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान हमें देना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म खुद ही फेस करने पड़ेंगे। कोई भी हमने चाहे इस जन्म के हों चाहे पुराने कितने भी हमारे कर्म से ना, वो हमें सब फेस करने हैं। तो आपकी लाइफ में चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कि आपको ऐसा फील होने लगे कि अब मैं शायद मरी जाऊँ तो सबको शांति मिल जाए, मतलब ऐसे थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तो एक पल बचा के, मतलब मरने का आपने सोच ही लिया है तो क्यों ना मरने से पहले आप भगवद्गीता पढ़ लो एक बार। क्या पता आपके जो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स में बदल जाएं, क्योंकि हमें अपने कर्म फेस करने ही करने। ठाकुर जी बहुत प्रेम से, अगर हमारा एक्सीडेंट होने वाला होगा ना, मतलब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग अगर हमारा एक्सीडेंट होने वाला होगा तो ठाकुर जी उसको सुई चुबा कर सब ठीक कर देंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ठाकुर जी की शरण में जाके हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करते हैं, ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है और हमें पढ़ना होता है, संगत में बैठना होता है। मतलब जब जितना हम भक्ति में एसोसिएशन में बैठते हैं ना, संतों की संगत में कथाएं सुनते हैं, उतना हमारा माइंड पॉजिटिव सोचने लगता है, उतना हम क्लियर होते हैं। तो ये सुसाइडल थॉट्स, ये जितने भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, ये सब सेकेंडरी है, ये सब एक भौतिक संसार का एक अंश है। इस भौतिक संसार में ये सब चीज़ों के साथ ही हमें आगे चलना है। पल पल पे ऐसी स्थितियाँ आएंगी जब हम सोचेंगे कि अब हम थक गए हैं, बट कुछ समय निकाल कर ठाकुर जी की कई बातों को आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ठाकुर जी कौन है, मैं कौन हूँ, मैं मतलब मैं नहीं, आप कौन है, ये शरीर का जो एक मोटिव है वो क्या है, क्यों आए हैं हम, हमारे जो कर्तव्य हैं एज अ ह्यूमन बॉडी हमें वो फुलफिल करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको भक्ति करनी है तो आप पहाड़ों में चले जाओ, हिमालयों में जाके तपस्या करो, नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं अपना कर्म करो, जो भी आप कर्म करो उसको बस मेरे को समर्पण कर दो, दैट्स इट। आप जॉब करके आ रहे हो, आपको बस अपना माइंड सेट चेंज करना है। जो धन आप कमा रहे हो उस धन से मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा, उस धन से मैं उन लोगों की सेवा करूंगा जो ठाकुर जी की भक्ति में लगे हुए, जो उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। आप घर में एक पुरुष हैं जो कमाते हैं, काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं मेरे को कि कहना आसान होता है लड़कों की, समझो उनको तो पैसा कमाना होता है, भक्ति वक्ति ये सब तो सेकेंडरी है बुढ़ापे में। ऐसा कुछ नहीं है, जॉब मैं भी करती हूँ, मैं भी पैसे कमाती हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी भक्ति भी नॉर्मली बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है। बस ये आपकी सोचने के ऊपर है, अगर आप सिंसेयर हैं कि आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो अगर आप कोई से भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो ना, तो ठाकुर जी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे शास्त्रों में सारे एग्जाम्पल हैं जो एक्चुअली में घटित हुए हैं, अगर आप पढ़ें आपको पता लगे। सब अपने कार्य करते करते ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं। ठाकुर जी बहुत ऐश्वर्यवान है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो क्या लगता है हम ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी ललायत रहते हैं उसके लिए? नहीं, ठाकुर जी के पास सब कुछ है। अरे भाई लक्ष्मी पति है वो, हम उनको क्या ही दे सकते हैं, सब कुछ है, बट वो हमारा भाव है और हमारे ठाकुर जी इतने करुणामय है। अगर हम उनको सूखी रोटी चीनी के साथ भी खिला रहे हैं ना, तो वो बड़े प्रेम से खाएंगे।
ये एग्जाम्पल भी हमने देखा है महाभारत में। विदुराइनी, विदुर जी की जो वाइफ थी विदुराइनी, ठाकुर जी के इतने प्रेम में विलीन थी, इतना प्रेम था कि उनको जो खिलाना था केले के छिलके खिला रही थी और केला फेंक रही थी, मतलब ठाकुर जी ने वो भी एक्सेप्ट किया और वो प्रेम से खा भी रहे हैं। अरे हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी ऐसी घटित चीज़ें हैं जो आप सुनो समझो और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करो ना, अरे क्यों नहीं मिलेंगे ठाकुर जी, ज़रूर मिलेंगे। बस आपको प्रेम रखना है उनसे, कुछ कंपटीशन नहीं है किसी चीज़ का। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भजन है ठाकुर जी और हमारे बीच का, वो हमारे बीच में ही रहे, हमें ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, कुछ नहीं करना, हमारा प्रेम उनके लिए है। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो जय राम जी की, हमें क्या करना है। सबको प्रेम से बोलो राधे राधे, अपना भजन करते रहो, चलते रहो। कोई आपको बोले आप कंठी धारण हो, पंडित बन गए, दिखावा करते हो, खुश है हम। अगर आप छोटे छोटे कपड़े पहन कर 31st की नाइट को डिस्को जा सकते हैं, क्लब जा सकते हैं, और बेमतलब के ड्रेसिंग सेंस रख के एकदम न्यूडिटी करके अगर ये दिखावा आप कर सकते हो, पार्टी करनी है ना, नॉर्मली कपड़ों में भी जाके कर सकते हो, क्यों आप छोटे छोटे। ये दिखावा नहीं है, लोगों को ये दिखावा नहीं लगता, लेकिन दिखावा ये जरूर लगता है कि हम कंठी पहन रहे हैं, तिलक पहन रहे हैं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग आपको पॉइंट आउट करेंगे, बोलेंगे, इवन आपके घर में भी बोलेंगे, बट अगर आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। आप सच्ची मानो, जब आप ठाकुर जी की तरफ एक कदम बढ़ाते हो ना, तो ठाकुर जी आपके पास 10 कदम बढ़ाते हैं। आप अप्लाई करके देखोगे, खुद फील करोगे, तो यू विल गेट टू नो हमारे जगन्नाथ, हमारा जग्गू ऐसे हाथ करके खड़ा हुआ है, वो तो इंतज़ार में है कि कोई मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ाए, मैं तो उसको अपने हाथों से पकड़ लूँ और कभी छोड़ू ही ना। इतने गरुड़ामय हैं हमारे सारे ठाकुर, लेकिन वो समझ नहीं आता हमें, क्योंकि हमारा वो बहुत स्तर है एक, वो बहुत ज़्यादा मलिन है, वो बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत अभी तक हमने ऐसे, हम ऐसी जगहों में ऐसी संगत का हमारा साथ रहा है जो हम कभी समझ ही नहीं पाए कि ठाकुर जी की महिमा क्या है, जो कि ऑब्वियसली कभी हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि मेरे को समझना, अरे बहुत इम्पॉसिबल है, खुद कह रहे हैं ठाकुर जी भगवत गीता में। तो ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं करना है, प्रेम से सेवा करनी है, भाव में रहना है ठाकुर जी के प्रति। पहले तो ज्ञान लेना है हमें, क्योंकि ठाकुर जी का प्रिय बनने के लिए एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। जब तक हम मैं में रहेंगे कि मैं मेरा शरीर नॉट नहीं नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले भगवद गीता हमें पढ़ना है, नाम जाप करना है, और अगर आपके प्रमाइसिस में अलाउड है तो तिलक कंठी ज़रूर पहने, क्योंकि इसके बिना तो मतलब एक पहचान हमारी यही है, हमें अलग करती है ये पहचान हमारी, ये जो दुनिया है भौतिक जो दुनिया है अलग कर। अगर आप नोटिस करें तो जब हम तिलक और कंठी धारण कर लेते हैं ना, तो सामने वाले जो हमें देख रहे हैं उनका कल्याण तो हो ही रहा है, लेकिन जब वो हमें देखते हैं ना, तो उनके मन में ठाकुर जी का चिंतन आता है, ये तो भगवान के भक्त हैं, ये तो राधे कृष्ण के भक्त हैं, उनके मन में ये आता है। दूसरी बात, आपको वो समझदार समझते हैं, उनके मन में ये बात चलती है कि अगर मैं इनसे कुछ पूछूंगा तो ये मुझे बता सकते हैं, जैसे माला क्यों करनी चाहिए, भगवद गीता मुझे पढ़नी है कौन सी पढ़ूँ, एकादशी का फास्ट कैसे रखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप बहुत सरलता से उनको समझा पाएँ, और जब आप उन्हें समझाएं तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लेना आपको, एक एक घंटा दो दो घंटा कि आप बताओ, नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज में ऐसे बताना है कि ठाकुर जी के करीब भी वो आ जाए और ठाकुर जी के चिंतन में लग जाए और आपकी बात भी पूरी हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, और वो आता है कथाएं सुनने। हमारे संत वैष्णव इतनी कथाएं करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो रही, शिव पुराण हो रही, दुर्गा पुराण हो रही, इतने जो भागवत कथाएं हो रही हैं, उनको रामायण कथा, जितनी भी कथाएं हो रही हैं, उनको चिंतन करना है, उनको सुनना है। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भक्त हैं तो केवल कृष्ण लीला सुनेंगे, नहीं नहीं, अगर आपने भेदभाव किया तो आप भक्ति नहीं है। हमारे लिए राम भी कृष्ण है, कृष्ण भी राम है, शिव भी राम है, राम भी शिव है, सब एक ही हैं। तो हमें कभी भेदभाव भी नहीं करना, हमें किसी से तोड़ना भी नहीं है, सब कुछ जितना ज्ञान अंदर आएगा उतना हमारा जो मन है वो साफ होगा, उतना ही ठाकुर जी अंदर रिलैक्स करेंगे और हमें और सही रास्ते पे वो लेके जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी होती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, है ना। छोटा सा गेट टुगेदर था हमारा, क्योंकि मिलते तो हम हैं नहीं, वीडियो के थ्रू ही हम मिलते हैं। आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरी वीडियोस लाइक करते हो, शेयर करते हो और बहुत प्रेम दिखाते हो, तो
ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आप सेवा में लगे रहें ठाकुर जी की, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सहन करने के लिए ठाकुर जी प्रेम दें और बहुत करुणा दें, दया दें। ओवरकम करने के लिए हमें ठाकुर जी के चरणों में ही जाना पड़ेगा, उनका ही चिंतन करना पड़ेगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये चीज़ हमें जब हमारे साथ जो घटित होता है ना वो हमें तब समझ नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद जब वो बीत जाता है, जब वो पास्ट बन जाता है कि वो जब हुआ वो सही था, तो हमें कभी ठाकुर जी के प्लान्स पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप उनको मनुष्य ना समझे कि वो हमारी तरह सोचते हैं, नहीं, वो अखल कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो जब ये सृष्टि रच सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन उन्होंने ही रचाई, किसी इंसान ने नहीं बनाई, ठाकुर जी की रचित ये जो रचना है, ये जो प्रकृति है, ये ठाकुर जी की रचित है। तो ही इज मास्टर माइंड, उनके माइंड पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, उनके प्लान्स पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी ने भगवद गीता एक सिर्फ इस चीज़ के लिए कही है कि हम ठाकुर जी के प्लान्स को समझ पाएं, जो कि मुश्किल है आई नो, बट एटलीस्ट हम अपने आप को समझ पाएंगे तो हम ठाकुर जी के थोड़े करीब चले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे भक्तों का संग पा पा के हम उनकी लीलाओं को समझने लग जाएंगे, जो कि आसान नहीं है। पर अगर हम कोशिश करेंगे तो ठाकुर जी अपने प्रिय भक्तों के साथ खुद ही लीलाएं करते हैं, खुद ही उनके साथ आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें ठाकुर जी के प्लान्स पे कभी डाउट नहीं करना है, वो ही एक अखल कोटि ब्रह्मांड नायक है। 2024 में ठाकुर जी की सेवा करें, खूब आनंद से रहे, प्रेम से रहे, खूब कंठ धारण करें, तिलक धारण करें। कोई कह रहा है दिखावा करते हैं, तो हाँ करते हैं, ठाकुर जी के प्रेम ही है, क्यों नहीं करेंगे, आनंद आता है हमें दिखावा करने में बहुत। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने प्रियजनों को खूब ठाकुर जी के करीब लेकर आएँ, उनको भगवद गीता का ज्ञान दें, खुद एक एक श्लोक पढ़ के सुनाएं, बहुत प्रेम से खुद भी पढ़िए, उन्हें भी पढ़ाइए। मैं कुछ बोल रही थी, शायद मैं भूल गई। हाँ, आप मुझे फॉलो करते हैं, तो इसलिए मेरे दिल से ठाकुर जी से प्रार्थना यही है कि आप सब ठाकुर जी के चरणों में रहें, उनकी सेवा में लगे रहें, और ठाकुर जी आपसे खूब लाड लगाएं। आप तो ठाकुर जी से लाड लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी भी आपसे खूब लाड लगाएं, और खूब प्रेम का आदान प्रदान हो, सेवा का आदान प्रदान हो। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन किया है, आई होप आप उसको भी पसंद करें, उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करके उनसे सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि उसमें उस चैनल पे जो कि गौरंगा प्रोडक्शन के नाम से, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पे ठाकुर जी से प्रेरणा लेकर, शास्त्रों में जो ठाकुर जी का वर्णन है, जो हमारे संतों ने पद गाए हैं, उनके अकॉर्डिंगली मैं वो कथक के द्वारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ कि कथक करते वक्त ठाकुर, मतलब एज अ डांसर मैं कथक भी करती हूँ, आपको अगर पता हो तो, आपने वीडियो देखी हो तो, मैं एक कथक डांसर भी हूँ, सीख रही हूँ, जो सीखा है अपने गुरु के द्वारा, जो मेरे गुरु हैं नेल्सन सर, उनके द्वारा वो चीज़ मैं दिखा सकूँ, ठाकुर जी की जो कृपा है, गुरु एंड गौरांग की जो कृपा है, वो मैं ठीक से अच्छे से फील करवा पाऊँ ठाकुर जी की लीलाओं को। तो हम कोई भजन सुनते हैं तो एक लीला बनती है हमारे दिमाग में, तो उस लीला को मैं दिखा पाऊँ, तो वो चैनल पे केवल और केवल कथक के रिलेटेड कथा कहे, सो कथक का कथा से ही कथक है, और कथक स्वयं ठाकुर जी से आया है, तो वही चीज़ दिखाने की कोशिश रही। आई होप आपको पसंद करें। मैंने टारगेट रखा हुआ है, अगर 5,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस पर, तो मैं पहला वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रिपेयर कर रखा है, बट वो थोड़ा पोस्टपोन होता जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं, वो उनके एग्ज़ाम्स हैं, 12th में हैं वो, तो पोस्टपोन करते 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 ठाकुर जी की कृपा से अब वो अप्रैल में होगा, अप्रैल में शूट होगा, तो फिर 1-2 महीने बाद ही आई गेस वो अपलोड होगा, और मे बी शायद जन्माष्टमी पर अपलोड होगा, क्योंकि वो ठाकुर जी का बहुत प्रिय भजन है, वो जब आप सुनेंगे, यकीन मानिए मेरा, आप ठाकुर जी के और करीब चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई सिंगर नहीं है जो ऑलरेडी यहाँ पे भजन अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैं उन्हीं पे काम कर रही हूँ। बाकी अगर मेरा 5,000 का टारगेट पूरा हो गया जनवरी में, तो आई विल अपलोड अ भजन मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, वो भी मैंने डिसाइड कर रखा है कि पहला कौन सा होगा, क्योंकि पहला जो मुझे करना था वो पोस्टपोन होते होते अब तो शायद जन्माष्टमी पे ही आएगा, क्योंकि मुझे अक्टूबर में करना था, अब वो शायद जन्माष्टमी पे जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट था, और मैं पहले सोच रही थी कि मैं वो इसी चैनल पे डालूंगी, फिर मैंने सोचा यहाँ पे प्रीचिंग का भी है, और यहाँ पे मेरा डेली मतलब जो ब्लॉगिंग मैं करती हूँ वो भी है, तो इसमें कथक भी डाल दूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरा चैनल बना लिया है।
और उस पे गौरंगा प्रोडक्शन जो है, जो कि साक्षात हमारे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही मैंने बनाया है, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर, तो उस पे वो मैं दिखाऊंगी एज अ कथक डांसर। आई होप आपको पसंद है, और उसमें सारा का सारा जो भी मटेरियल होगा भगवान से रिलेटेड होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, और अगर 5000 टारगेट पूरा हो गया तो आपको होपफुली जल्दी वो वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप जल्दी करवा दोगे तो जल्दी आ जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ठाकुर जी के लिए नृत्य करने में बहुत आनंद आता है, ऊपर से मैंने कथक करा ही इसलिए, मतलब मैं कथक सीख ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे को ठाकुर जी के और करीब जाना है, और ठाकुर जी के लिए नृत्य करना इट्स क्वाइट वंडरफुल, क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं तो हम एक लीला में होते हैं, जब हम कोई पद सुनते हैं, हम कोई भजन सुनते हैं, तो एक हम लीला में चले जाते हैं, तो मैं उस लीला को दिखाना चाहती हूँ। आई होप आपको पसंद आए, वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा गौरंगा प्रोडक्शन का, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वो इंस्टाग्राम का जो पेज है मेरा गौरंगा प्रोडक्शन, उसके बायो में भी है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ कुछ टॉपिक्स मुझे चाहिए जिन पे मैं वीडियोस बना सकूँ, अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ जो ब्लॉगिंग करूँ, तो इसलिए अगर आपको कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में है वीडियोस बनाने के लिए तो प्लीज़ शेयर विद मी। जाते जाते एक चीज़ और बता देती हूँ, होपफुली ठाकुर जी की कृपा हुई, जगन्नाथ की कृपा हुई, तो शायद जगन्नाथ जी हम जाएं, तो जगन्नाथ में जो जो भी है प्लीज़ बी रेडी, मैं अपडेट करूंगी अगर हमारा प्लान बन गया तो, प्लीज़ रेडी रहना, मुझे बहुत सारा प्रसाद चाहिए आप लोगों से, जगन्नाथ जी की कृपा चाहिए, आप मिलिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। मैं अभी वेट नहीं करती जगन, मैं बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने आज ये वीडियो ही बना लिया, क्योंकि यूट्यूब पे मैं लाइव आती नहीं हूँ और इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बात कहाँ करूँ आप लोगों से, ऑफिस होता है तो मंदिर भी बहुत कम जा पाती, इसलिए मैं मिल नहीं पाती आप लोगों से, आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता, मिल नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दी, थोड़ा लंबा ही तो है सुन लीजिएगा। वैसे भी अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप वीडियो डेली डाला करो, बट डेली डालने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ एक एक श्लोक आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, और श्लोक पढ़ने भी मुझे आते नहीं है, संस्कृत मेरे लिए बहुत टफ है, तो मुझे उस चीज़ के लिए क्षमा कीजिएगा, नो वन इज़ परफेक्ट, मुझे संस्कृत नहीं आती, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बट मुझे जो आता है मैं उसमें अपने आप को परफेक्ट करना चाहती हूँ ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती, बट हाँ आती है, मैं पढ़ लेती हूँ, हिंदी में समझ लेती हूँ, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है उसमें पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत नृत्य आता है तो ठाकुर जी के लिए नृत्य कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आई होप आपको जो मैंने ये सब बोला ब्ला 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 मैंने किया वो आपको अच्छा लगा हो, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप सभी को 2024 की खूब बधाइयाँ, मंगल बधाइयाँ, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस ईयर, तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, 5000 जल्दी हो गए तो जल्दी वीडियो आएगा। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे, आप सभी को 2024 की शुभकामना, गुरु जी की सेवा में और अच्छे से लीन हो जाइए, और सेवा कीजिए, और नाम जाप कीजिए, और भागवत प्रचार कीजिए, और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, जय जय श्री राधे राधे श्याम, और श्री किशोरी जी के चरणों की सेवक बन जाइए, राधे श्याम।